वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इट्स द डे फ्राइडे 8th ऑफ अक्टूबर। जब आईपीएल के लास्ट दो लीग स्टेज मैचेस बचे हैं, पता नहीं दोनों सेम टाइम कैसे रखे हैं, मुझे समझ नहीं पड़ा, लेकिन हम लोग जा रहे हैं मैच नंबर 56 देखने, आरसी वर्सेस डीसी एट दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। जो मैंने बताया था स्ट्रीम पे भी और कल इंस्टा पे भी, नहीं देखा तो जाके स्टोरी देख लो भाई, और पोस्ट भी डाली है, कल नहीं देखी तो देख लो जाके। सो इट्स द थर्ड ब्लॉग जो भी हम शुरू करेंगे, थोड़ा गाड़ी में दिखाऊंगा मैं, फिर उसके स्टेडियम पे हम बात करेंगे थोड़ी, और स्टेडियम के अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है लेकिन मैं रिकॉर्ड करूंगा थोड़ा बहुत के अच्छे से करेंगे। वो मोटेरा ब्लॉग में भी नहीं था लेकिन किया था ना, तो कर लेंगे, मस्त मस्त दिखाएंगे सिनेमैटिक्स बहुत कुछ। एंड इसकी कैमरा क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी कैसी है, जो नया हमने फोन लिया मैं उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो बताना। एंड टेक्निकली ये थर्ड ब्लॉग है, मतलब सेकेंड ब्लॉग है, और थर्ड ब्लॉग आएगा नेक्स्ट थर्सडे या सैटरडे। तुमको कब चाहिए वो बताओ, थर्सडे या सैटरडे, एवरी थर्सडे डालें एवरी सैटरडे डालें ब्लॉग, वो जो हम ट्रैवल किए थे वो। तो टेक्निकली ये चाहे सेकंड व्लॉग है लेकिन ठीक है, अभी फर्स्ट व्लॉग तो आना बाकी है वो, लेकिन थर्ड हो जाएगा, समझ रहे हो ना, वो ट्रैवलिंग वाला बहुत टाइम से मैं पिच कर रहा हूँ लेकिन अभी तक डाल नहीं पाया, लेकिन अब आ जाएगा। तुम डे बता दो कौन से दिन चाहिए, और अभी मैं अभी अपने रूम पे हूँ, अभी 3:30 हो रही है कुछ, एंड 5:30 टॉस है, मतलब यहाँ के टाइम के हिसाब से, तो मुझे टॉस देखना है, तो अभी 4 बजे निकलूंगा। स्टेडियम यहाँ से 15-20 मिनट ही है, मतलब 22 किलोमीटर से 10-12 मिनट लगेंगे, बट वहाँ पे पार्किंग का सीन है, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत बातें करेंगे, थोड़ा जल्दी जाए तो अच्छा ना, फोटो वोटोज निकालेंगे, थोड़ी अपन बात भी कर लेंगे, और फिर यार मिलते हैं फिर डायरेक्ट स्टेडियम पे, या थोड़ा बीच में बात करेंगे, गाड़ी वाड़ी में देखते हैं, थोड़ा सिनेमैटिक भी दिखाऊंगा। सो चलो चलते हैं। सो गाइस वी आर ऑफ, अभी रास्ते में बस हम जा रहे हैं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की तरफ, अभी मैच देखने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। टाइम अभी लेट हो गया, मैं 4:15 हो चुकी है निकलने में, अब देखो क्या होता है एंट्री में, कितना टाइम लगता है, उसके बाद थोड़े बहुत अभी रास्ते में मैं सिनेमैटिक्स दिखा दूंगा, बाकी फिर अपन पार्किंग वार्किंग करके थोड़ा दिखा देंगे, स्टेडियम बाहर से भी बात बात कर लेंगे, उसके बाद मैच में मैं अंदर बैठ के थोड़ा बहुत तो दिखा दूंगा, मैंने बताया ना जैसे, तो चलते हैं भाई डायरेक्ट, अभी थोड़ा बहुत सिनेमैटिक्स इन्जॉय करो, फिर स्टेडियम पर पहुँच के बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं, फिर ख़त्म होने के बाद भी बात करेंगे, तो चलो डायरेक्ट अभी सिनेमैटिक्स इन्जॉय करते हैं। सिनेमैटिक्स एंजॉय किए, वी आर एट दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, अभी जा रहे हैं अंदर, पार्किंग थोड़ी दूर है, वही अहमदाबाद में जो हुआ था वही सीन है, तो अभी स्टेडियम की तरफ चलते हैं, अंदर जितना हो सका रिकॉर्ड करेंगे वही, फिर उसके बाद आएगा मजा, अभी देखते हैं मैच। विराट कोहली टॉस जीत गया भाई, देख रहे हो अपन आए तो किस्मत भी बदल गई ना, तो बस यही टॉस वॉस जीत गया, अभी इनिंग्स ब्रेक में वापस अगर आया तो बात करता हूँ, बीच में थोड़े बहुत दिखाऊंगा मैं आरसीबी की बॉलिंग है, बाकी मिलते फिर। Thank you.
गाइस फर्स्ट इनिंग्स खत्म हो गई है, अभी बहुत अच्छी बॉलिंग थी, पावर प्ले के बाद तो काफ़ी बढ़िया रहा। अभी देखते हैं इसके बाद क्या होता है, मैच खत्म होने के बाद मिलते हैं। बहुत ज़्यादा आवाज़ें नहीं, मतलब मैं नीचे भी बैठ के रिकॉर्ड कर लेता, बट स्टिल अब मिलते हैं अपन इनिंग्स के बाद। होप सो आरसी विंस, बाकी देखते हैं। What a match, भाई, one of the best matches मैंने जो देखे भी, और first ever मेरा IPL match था जो मैंने stadium से live देखा है, और guess what, RCB जीती, and what a thriller at Dubai International Stadium, भाई साहब मजा ही आ गया। and sorry मैं थोड़ा stadium से निकल के इतना excited था, मेरा गला खराब हो चुका है, थोड़ी आवाज भी अगर change लग रही हो तो, चिल्ला चिल्ला के, और इंस्टा पे थोड़ी बहुत रील्स डाली वो देख लेना जब तक vlog नहीं आ रहा है, और vlog कल सुबह, अभी मैं रात में देखता हूँ, आई एम फीलिंग बिट टायर्ड, तो रात को देखता हूँ कितने बजे तक मैं कर पाता हूँ एडिट, अगर हो गया सुबह 6-7 बजे तक सो आई विल अपलोड इट बाय 8 or 9, अदरवाइज तो थोड़ा लेट 10-11 तक आ जाएगा, लेकिन मैं कल डाल के रहेगा, दिक्कत नहीं, नहीं तो भी मैक्सिमम संडे आ सकता है, क्योंकि देखते हैं अभी, मैंने सोचा तो है कल डाल दूंगा, हो जाएगा एडिट, बाकी देखते हैं भाई। लेकिन मैच की बात करूँ तो मैंने सोचा बाहर निकल के बात करूँ, लेकिन इतना चिल्ला चिल्ला के निकला था, एंड पूरा मतलब बहुत गर्मी है, एंड वी आर ऑलरेडी, मतलब अभी भी हम ट्रैफिक में अटके हुए, जस्ट निकले हैं, 2 मिनट हुई है अभी, स्टेडियम के पार्किंग से नहीं निकल पाया मैं, अभी आपको बैक कैमरा से भी दिखा दूंगा बाद में, अभी सिनेमैटिक से सब आएंगे तब, एंड अभी दिखाता हूँ मैं उसके बाद। तो भाई मैच तो बहुत बढ़िया था, एंड आई होप ये ब्लॉग तुमको बहुत अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड किया अंदर भी, आई विल ट्राई कि सब मैं डालूँ थोड़ा बहुत टाइम लेस पे, थोड़ा बहुत ऐसे ही, क्या बोलूँ यार मैं, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस आई हैव विटनेस्ड, बोलना भी नहीं पा रहा भाई, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है, लास्ट बॉल पे 6 पे जो मज़ा आया ना भाई, क्या ही बताऊँ। सो अभी चलते हैं घर, चल के व्लॉग एंड करेंगे, अभी थोड़ा बहुत सिनेमैटिक देखो, मैं अभी ट्रैफिक दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे फंसे हुए हम, थोड़ा सा उसके बाद में सिनेमैटिक्स दिखाऊंगा 1 सेकंड में। तो गाइज ये देखो, ये है ट्रैफिक, ये अभी उसका पार्किंग है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम का पार्किंग है, इधर इतना ट्रैफिक है ना अराउंड, तो गलती से मैंने वीडियो बंद कर दी थी, अराउंड 1 से 2 किलोमीटर बाहर निकलने में हमको मिनिमम 1/2 hour to 1 hour लगेगा। सो मैं घर पहुँचता हूँ, बीच में थोड़ा बहुत दिखाऊंगा तुम लोग को ये क्या बोलते हैं अपने सिनेमैटिक्स ये सब, और बाकी यार थोड़ा नाइट व्यू देख लो, बाकी मिलते हैं फिर व्लॉग एंड करते हैं, थोड़ी और मैच का डिस्कशन कर लेंगे घर चल के। सो चलो एंजॉय करो सिनेमैटिक्स, एंड लाइक कर देना, अभी तक नहीं किया मैंने, बोला नहीं पूरे व्लॉग में, लेकिन कर देना भाई। बाय द वे एक बात तो रह गई, वी आर स्टिल स्टक इन द ट्रैफिक, बट लिटरली मैंने आरसीबी की टीम को मेरे से 10 मीटर दूर से जाते हुए देखा, कोहली एंड चहल इन लोग ने वेव भी किया था, वो जो टीम की बस होती है ना मैच खत्म होते ही, हम लोग जो पार्किंग के लिए वॉक करके निकल रहे थे यार, उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज्यादा ही खुश था मैं उस टाइम पे, एंड कोहली, सिराज एंड चहल ये 3 तो मुझे दिखे थे, तो जो विंडो से उनने वेव किया था,
वो इस साइड जा रहे थे पीछे और वो लोग राइट साइड बैठे थे, तो मतलब मैंने भी देख के किया था, सो काफी बढ़िया लगा यार। कह सकते हैं कि हम कोहली को मिल लिए, वैसे नहीं टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कभी, तुम लोग करवाओ तो बात अलग है किसी दिन, ठीक है थोड़ा बहुत कुछ डेजिग्नेशन होगा तो हो सकता है कभी, बाकी ये बताना रह गया था। तो भाई काफी बढ़िया लगा यार मिलके आज, तो ऐसा लग रहा है ड्रीम कम ट्रू वैसे है ही, क्योंकि फर्स्ट टाइम आईपीएल मैच देखा एंड भाई अपने फेवरेट प्लेयर्स को इतना पास से देख के जो अच्छा लगा है ना भाई, मैं क्या ही बताऊं। और मैच तो भाई केएस भरत यू ब्यूटी। अब थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स, फिर चलते हैं भाई, मतलब मैं भूल गया था, मैंने बोले बता दूं मैं, ठीक है तो चलते हैं अभी, फिर घर चल के लॉग इन करेंगे। अभी मैं घर पहुंचा हूं, मेरी हालत देख के लग रहा होगा कि इतना थका हुआ हूं, आई एम लिटरली वेरी मच टायर्ड एंड व्हाट अ मैच भाई, पैसा वसूल थकान वसूल, लेकिन मैच था एकदम भगवान मैच था भाई, मैं क्या ही बताऊं। अब सुबह तक व्लॉग एडिट करके डालेंगे यार, हमको डालना है, बाकी रील्स डाली है इंस्टा पे वो देखो, एंड ये अनप्लग पे यहीं पे ही डाली थी कल, दो और शॉर्ट्स भी वो भी देख लो यार, थोड़ा टीजर टाइप मिल जाएगा, क्या ही मैच था। एंड याद रखना जब तेवतिया ने 5 सिक्स मारे थे ना क्वार्टरल को, तब भी मैंने यही चीज बोली थी कि ही विल प्ले फॉर इंडिया फॉर श्योर, एंड तुमने देखा ही था स्क्वाड में सिलेक्ट तो हुए थे, एंड इनके लिए भी केएस भरत, रिमेम्बर द नेम भाई, केएस भरत यू ब्यूटी भाई साहब, क्या ही छक्का मारो, क्या इतनी मैच्योर इनिंग्स भाई साहब, कोई नहीं खेल पाया, ठीक है तो केएस भरत इस फ्यूचर देखो, मुझे लग रहा है इंडियन टीम में काफी जल्दी आने वाला है, कोहली के अंडर डेवलप हो रहे हैं, तो बताइए फिर क्या होगा, आ सकते हैं केएस भरत, तुम्हारा क्या कहना है वो बताओ। एंड काफी ज्यादा मजा आ गया, आई होप यू गाइस एंजॉयड द व्लॉग, बताना कैसा लगा, थोड़ी बहुत कमियां भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम और अच्छा बनाएंगे, आई थिंक अभी तक का मेरा बेस्ट व्लॉग बना ये, ऑल द फर्स्ट व्लॉग दो आना बाकी है, एंड थोड़े कैमरा एंगल्स का डिफरेंट होगा, पहले मैं घर पे रिकॉर्ड किया ना, वो एक मैंने स्टिक ली है, मैं उसका सोच रहा हूँ अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैंने रिकॉर्ड किया बना दूं, अनबॉक्सिंग मतलब, तो उससे रिकॉर्ड करा था, स्टेडियम में लेके नहीं जाने देने वाले थे, तो मैंने फिर कार में छोड़ दिया, तो सब एंगल एंगल चेंज हो गया, तो स्टार्ट ऐसे हुआ खत्म ऐसे हुआ, कोई नहीं अब चलता हूँ, मेरे हाथ भी बहुत दुख रहे हैं, आई विल टेक अ शावर एंड खाना खाएंगे, थोड़ा बहुत खाया था, अब खाना खा लेंगे उसके बाद एडिट करेंगे, फिर मिलते हैं यार कल, तो स्ट्रीम भी कर रहा हूँ मैं बाय द वे मेन चैनल पे, पता है ना व्लॉग मतलब कल मतलब आज ही व्लॉग भी आ रहा है सुबह सुबह, देख लो आई विल ट्राई 8 बजे कर दूँ, बट शायद 10 भी बज जाए, जब तक एडिट हो जाए देखो 8-9-10 तक डल जाएगा, सो बाय बाय यार, बहुत मजा आया, 2000 लाइक होंगे क्या, कर दो यार थोड़ा शेयर भी कर दो, 2000 नहीं चलो 1000 लाइक रखो, ठीक है, सो बाय बाय, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, लिटरली आई एंजॉयड इट अ लॉट, तुमको कैसा लगा वो बताओ, सो एक दो चीजें बोल रहा हूँ मेरे को लग रहा है, लेकिन ठीक है चलो बाय, स्ट्रीम पे डिस्कस करेंगे आज, आ जाना।